कुछ लोग हालातों नूं हमेशा दोषी ठहराउंदे हन। यह प्रेरणादायक कहानी इस तरह की है कि तुहाडियां अखां खोल सकती है। तो चलो इस कहानी नूं जिन्नी जल्दी हो सके शुरू करिए। बहुत समा पहला एक आदमी मारूथल विच फसिया होया सी। वह मन ही मन अपने आप नूं आख रहा सी कि यह किन्नी वधिया अते सुंदर जगह है। जे इत्थे पानी हुंदा तां इत्थे किन्ने चंगे दरख्त उग आउंदे अते किन्ने लोक इत्थे आउणा चाहुंदे। मतलब वह हालातों नूं दोष दे रहा सी। वह अपने ही मन च सोची जा रहा सी कि अगर आ हुंदा तां ओह हुंदा, अगर ओह हुंदा तां आए हुंदा। मतलब घुम घुमा के वह अपने मन च हालातों नूं दोष देई जा रहा सी। कुछ देर बाद थोड़ा अगे जाके उसने एक खूह वेख्या जो काफ़ी लंबे समय तो पानी नाल भरिया होया सी। खूह देख के भी वह अपने मन विच ही विचार चलाई जा रहा सी। फिर अचानक उत्थे एक बाल्टी ते रस्सी प्रगट हुंदी है ते एक पर्ची उड के उस बंदे कोल आउंदी है जिस ते लिखिया सी, तुसी दोष दे रहे सी कि इत्थे पानी दा कोई स्रोत नहीं, हुण तुहाडे कोल पानी दा स्रोत भी है, पानी कढ़न लई बाल्टी भी ते रस्सी भी। जे तुसी चाहुंदे हो तां तुसी इत्थे पेड़ पौधे लगा सकदे हो। वह इंसान परची पढ़ के अपने ही मन च बुड़बुड़ करन लगा ते परची नूं उत्थे एक पासे सुट के अगे लंघ गया। तो फिर दोस्तों दसो कि यह कहानी सानू की सिखाउंदी है। दोस्तों ये कहानी सानू सिखाउंदी है कि जे तुसी हालातों नूं जिम्मेवार ठहराउणा चाहुंदे हो तो कोई समस्या वाली गल नहीं, पर सवाल तो यह है कि अगर तुहाडे कोल सारे साधन उपलब्ध हो जाण तां की तुसी उस स्थिति विच हालातों नूं बदलन लई तैयार हो। इस कहानी नूं सुन दे बाद तां अजिहा लगदा है कि कुछ लोग स्थिति नूं दोषी ठहराउणा तां जाणदे हन पर स्थिति नूं बदलन लई उह कुछ भी करन दे इच्छुक नहीं हुंदे, भावें उहनां कोल सब कुछ उपलब्ध भी होवे। दोस्तों इह कहानी सिखाउंदी है कि जे तुसी चाहुंदे हो तां हालात बदलदे हन अते साधन भी मिलदे हन। दोस्तों मैनूं यकीन है कि जे तुहाडे नाल कदे कोई अजिही घटना वापरदी है तां तुसी अपना योगदान जरूर पाओगे, भावें वह योगदान 1% का ही क्यों ना होवे। दोस्तों अखीर ते कहना चाहांगा कि जे तुसी सोहणियां सोहणियां कहानियां सुन दे शकीन हो तां तुसी बिल्कुल सही जगह ते हो। हुणे अपने इस चैनल कलम पंजाब दी नूं सबसक्राइब कर लवो ते अग्गे बनी हुई घंटी दबा देवो। अज लई दोस्तों अपने दोस्त जगमीत सिंह हठूर नूं दिओ इजाजत। बहुत जल्द फिर मिलांगा किसी नवीं कहानी दे नाल। तद तक लई अलविदा, सत श्री अकाल।